हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर सीरीज ऑफ एजुकेटेड सेपियंस, सीरीज ऑफ विन सीरीज एंड ऑन आवर प्लेटफॉर्म ऑफ एजुकेटेड सेपियंस। सो यस, लेट मी पोस्ट इट इन द टेलीग्राम ग्रुप एज वेल। दोस्तों, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, हम लोग आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं सॉरी लेट मी पुट इट टू द स्लाइड सो है ना, सो दैट हम लोग इस पर डिस्कस कर सके। तो दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये एनवायरमेंट का बेसिकली लेक्चर है आज जो मैं लेकर के आप सभी के लिए आया हूँ। ठीक है, मेरा नाम है डी प्रकाश और हमारी वेबसाइट एजुकेटेड सेपियंस पे आप विजिट कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी चीज के लिए यूपीएससी विद डीपी प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, अगर आप इसकी बात करेंगे कहते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल की, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं एजुकेटेड सेपियंस पे। और दोस्तों, आज जो टॉपिक हम लेकर के डिस्कस करने जा रहे हैं आप सभी के साथ, दैट इज एनवायरनमेंट। प्लीज ध्यान रखिए, एनवायरनमेंट नाम का टॉपिक है, एनवायरनमेंट सब्जेक्ट का टॉपिक है, जीएस 3 में आता है। प्लीज ये भी ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल ये जीएस 3 में आता है। ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जीएस 3 के हिसाब से भी यदि आप देखेंगे तो ओके। अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो आई थिंक एक्चुअली मैं थोड़ा सा डिफरेंट मेथड यूज कर रहा हूँ, डिफरेंट मेथड इन द सेंस आई हैव टू यूज गूगल स्लाइड शेयर है ना, तो गूगल स्लाइड का यूज करना पड़ रहा है। रीजन इज कि कुछ इशू आ रहा है, डाउनलोड्स कंप्लीट हो नहीं पा रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई इज इट सो। बट यस, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। देखो दोस्तों, अभी रिसेंट में COP27 हुआ, जिसको हम लोग क्लाइमेट समिट भी कहते हैं, जिसको हम UNFCCC के नाम से भी जानते हैं, CCC के नाम से। ठीक है, अब देखो एक चीज समझना, इस बार का जो कुछ देश मिले यहाँ पे COP27 क्लाइमेट समिट में, शर्म अल शेख जो ये जगह है कहाँ पे है, इजिप्ट में। दोस्तों ध्यान रखना, ये जगह कहाँ पे, इजिप्ट में है। ठीक है, यूएई इंडोनेशिया। ठीक है, इसमें मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट अनाउंस हुआ। अच्छा, मुझे एक चीज आप लोग ये बताइए कि जब हम मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट बोलते हैं, तो देखो मैनग्रोव तो नो डाउट अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बट देयर इज अनदर टर्म नोन एज रामसर साइट। रामसर साइट, तो पहली चीज आपको ये बतानी है रामसर कहाँ पे है, और दूसरी चीज इंडिया से कितने रामसर साइट डिक्लेयर हो चुके हैं, राइट? क्योंकि अभी रिसेंटली बहुत सारे रामसर साइट्स ऐड अप हुए थे। प्लीज ध्यान रखिएगा, यूपीएससी के हिसाब से बेहद महत्वपूर्ण है, और हमने ये विन सीरीज में ये पांच लेक्चर्स में यदि आप देखेंगे, हमने इन सभी को कवर अप किया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखना रामसर साइट कितने ऐड हुए हैं 2022 में, ये सारी चीजें हमने कवर अप की है। यदि आपको लिंक चाहिए कि किस सर के कौन से लेक्चर में आपने कवर अप किया है, प्लीज लेट अस नो, प्लीज आस्क मी, प्लीज फील फ्री टू आस्क मी ऑन द टेलीग्राम ग्रुप, आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड दैट। इज इट क्लियर, समझ में आ रही है बात? तो प्लीज इस चीज को ध्यान रखें। ओके, आई फील लकीली इट हैज ओपनड अप, है ना, सो वी कैन शिफ्ट टू, वी कैन डेफिनेटली शिफ्ट टू आवर, है ना, जस्ट अलाउ मी अ मोमेंट, जस्ट अलाउ। तो मैं जब तक के लिए आपको ये बता दूं कि रामसर जो साइट है वो है ईरान। ध्यान रखिए, रामसर साइट कहाँ पे है, ईरान में। ठीक है, आई एम रियली सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा ग्लिचेस ज्यादा हो रहे हैं, एक्चुअली आई ट्राई टू मतलब डू इट ऑन मतलब प्री अर्ली, बट कुछ चीजें हैं जो नहीं हो पा रही हैं, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, देखो मेरे कहने का मतलब क्या था, देखो रामसर साइट्स, राइट, मैंने क्या बताया अभी अभी आपको नाम है रामसर साइट्स, प्लीज ये ध्यान रखिएगा रामसर साइट, है ना। बेसिकली किसके लिए है, आर दे ओनली फॉर मैनग्रोव्स, आर दे ओनली फॉर मैनग्रोव्स, माई डियर फ्रेंड्स मैनग्रोव्स के लिए नहीं है, प्लीज आपको यह ध्यान रखना है, ये मैनग्रोव्स के लिए नहीं है, ये ईरान में है रामसर साइट, जहां पे लोग मिले थे एंड दे डिसाइडेड टू प्रोटेक्ट वेटलैंड, दे डिसाइडेड टू प्रोटेक्ट वेटलैंड, कि हम जो आर्द्र भूमि है उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना आर्द्र नहीं होगा शायद, नहीं आर्द्र भूमि होगा, है ना, ध्यान रखना मैनग्रोव्स भी एक तरह के वेटलैंड ही है। ठीक है, और यस प्लीज ये ध्यान रखिए, COP27 क्लाइमेट समिट अभी हुई है रिसेंटली इजिप्ट में, बेहद महत्वपूर्ण शर्म अल शेख में हुई है, बहुत सारे इससे अनाउंसमेंट्स आने वाले हैं। ठीक है, एंड वी एक्सपेक्ट कि काफी कुछ अच्छा होगा। तो मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट बन चुका है, मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट में कौन कौन काम कर रहा है, यूएई, इंडोनेशिया, इंडिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड स्पेन। ठीक है, इट सीक्स टू एजुकेट एंड स्प्रेड अवेयरनेस वर्ल्ड वाइड ऑन द रोल ऑफ मैनग्रोव्स इन कर्बिंग ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स पोटेंशियल एज अ सॉल्यूशन टू क्लाइमेट चेंज। माय डियर फ्रेंड्स, लेट मी बी वेरी क्लियर, जब मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं, तो जब सुनामी आई थी वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा एरिया में, आप यकीन नहीं मानेंगे, ये जो मैनग्रोव्स थे, दे वर द वन हु सेव्ड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीपल। ध्यान रखना, काफी सारे लोगों को बचा लिया था इन्होंने। और दूसरी चीज, ये टाइड ब्रेकर का भी काम करते हैं, ये टाइड ब्रेकर का भी काम
करते हैं। इसमें बहुत सारे वीडियोज हैं, आप देख सकते हैं, ये बहुत बड़ा स्ट्रेच होता है एक्चुअली पेड़ों का, बहुत गहरा और घना स्ट्रेच होता है जहाँ पे खूब सारी जंगल झाड़ियाँ होती हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे इन ट्रीज में एक बहुत यूनिक फीचर होता है न्यूमेटोफोर्स का। क्या चीज? न्यूमेटोफोर्स, न्यूमेटोफोर्स का काफी यूनिक फीचर होता है अगर आप देखोगे तो। ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल अलायंस वर्क्स ऑन वॉलंटरी बेसिस व्हिच मींस दैट देयर आर नो रियल चेक्स एंड बैलेंसेस टू होल्ड मेंबर्स अकाउंटेबल। ठीक है, तो ध्यान रखना इंटर गवर्नमेंटल जो अलायंस है ये वॉलंटरी बेसिस पे है, इसमें कोई रियल चेक नहीं है, चेक्स एंड बैलेंस नहीं है, है ना, कि मेंबर को अकाउंटेबल ठहराया जाए, प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा। वेटलैंड क्या होती है समझ लो, क्योंकि वेटलैंड से रिलेटेड कौन है, रामसर साइट। रामसर साइट इज नॉट रिलेटेड टू क्लाइमेट समिट, ये भी ध्यान रखना, रामसर साइट से आप कंफ्यूज कर सकता है। रामसर साइट जैसे ये कह सकता है मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट हैज बीन फॉर्मड अंडर रामसर साइट, इस तरह के किसी भी फॉल्स नोशन में मत रहिएगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बच्चे गलती करेंगे क्योंकि मैंग्रोव अलायंस है तो उनको पक्का लगेगा रामसर साइट्स के अंदर में या रामसर एग्रीमेंट के अंदर में इसको हैंडल किया जा रहा है। नहीं मेरे दोस्तों, नहीं, प्लीज ये ध्यान रखना। ठीक है, वेटलैंड की अगर मैं बात करूं, वेटलैंड को नेचर की नेचुरल किडनीज कहते हैं, नेचर का सुपर मार्केट कहते हैं। अब ऐसा क्यों? जस्ट लाइक किडनीज बेसिकली हमारे वाटर को फिल्टर आउट करती है, उसको प्योरीफाई करती है, जो वेस्ट टॉक्सिक वेस्ट है उसको निकालती है। सेम तरीके से ये जो लैंड है टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम के बीच का एरिया होता है ना, और यहाँ पे वाटर टेबल काफी हद तक बहुत शैलो रहता है, बहुत शैलो रहता है, ध्यान रखना। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, वेटलैंड कहा जाता है, इसको पॉन्ड नहीं कहा जा रहा है, इसको वेटलैंड कहा जा रहा है। ध्यान रखना इसमें कई तरह के वेटलैंड होते हैं, मार्शेज, मार्शेज एक तरह का वेटलैंड है जहाँ पे काफी शैलो होता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा चीजें जो है ना सड़ रहा होता है, फ्लड लाइक सिचुएशन होती है, कभी कभी ड्राई हो जाता है। दे आर वेरी वेरी मच रिच इन न्यूट्रिएंट्स, ध्यान रखिए काफी रिच इन न्यूट्रिएंट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि डेड डिकेइंग मैटर होता है। क्या होता है? डेड डिकेइंग मैटर यहाँ पे काफी सारा होता है ना, एंड डेड डिकेइंग मैटर के कारण ही अगर आप देखोगे तो यहाँ पे काफी ज्यादा मात्रा में, काफी ज्यादा मात्रा में आपका मिथेन भी प्रेजेंट होता है। क्या चीज? मिथेन भी काफी ज्यादा प्रेजेंट होता है। तो ध्यान रखिए, are overgrown with grasses, rushes, sedges and other leafy vegetation. So these are the marshes. इसके बाद आता है swamp. Swamp में थोड़ा सा ज्यादा पानी होता है, ध्यान रखना, swamp में थोड़ा सा ज्यादा पानी होता है। Swamps are like wooded marshes, and wooded marshes, they are shoggy landscapes with waterlogged trees and other plants. Please ध्यान रखिए, कोई बात नहीं अभिजीत, please welcome to the class. I'm really sorry, actually मैं खुद भी late हो गया था और बीच में मैं थोड़ा सा वो भी use कर रहा था, but घबराइए मत, ठीक है। जो की पॉइंट है आपको वो ये ध्यान रखना है, मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट जो है, मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट ये COP27 में बनाया, जो कि UNFCCC की मीट थी, UNFCCC, ठीक है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज पे मीट थी, ना कि रामसर साइट की मीट थी। प्लीज ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप अक्सर गलती कर सकते हैं। ठीक है, और किस किसने बनाया है ये मैंग्रोव अलायंस, इसमें लीड जरूर ली थी UAE और इंडोनेशिया ने, बट इसमें इंडिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड स्पेन, कभी भी दोस्तों नाम याद रखने में दो देशों के क्लब कर दो। क्लब कैसे करोगे? जरा देखो यहाँ पे इंडिया एंड श्रीलंका आजू बाजू में है, बिल्कुल क्लब कर दो। ठीक है, इंडोनेशिया थोड़ा और नीचे चले जाओ, ठीक है, इंडोनेशिया थोड़ा और नीचे चले जाओ, फिर उसके बाद यूएई अब वेस्ट साइड में बढ़ जाओ, स्पेन है ना, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। तो ऑस्ट्रेलिया एंड जापान मतलब आपका ईस्टर्न साइड पे हो गए, अगर आप देखोगे तो जापान ऊपर, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे, इंडोनेशिया, ठीक है, श्रीलंका, इंडिया, उसके बाद यूएई एंड देन स्पेन, है ना। तो इस तरह से लोकेशन के हिसाब से ध्यान रखो, अपने आप याद हो जाएंगी, बाकी बहुत सिंपल चीजें हैं, बहुत जेन्युइन चीजें हैं। अभी चीजें आ रही हैं, ध्यान देते जाइए। वेटलैंड की अगर मैं बात करता हूँ, जिसको हम गीली भूमि या आर्द्र भूमि भी कह सकते हो एक तरह तक, ठीक है, ये नेचर की किडनी माना जाता है, ध्यान रखना, और बेसिकली एक ट्रांजिशन फेज होता है बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम, इसको नेचर का सुपर मार्केट भी बोलते हैं। मार्शेस जो होते हैं दोस्तों, ध्यान रखना, यहाँ पे काफी ज्यादा डेड डिकेइंग मैटर होता है, पानी होता है लेकिन बहुत शैलो लेवल पे होता है, ध्यान रखिएगा। इसके कारण यहाँ न्यूट्रिएंट्स खूब मिलेंगे, बट एट द सेम टाइम मिथेन भी काफी ज्यादा मात्रा में मिलती है, राइट? यू कैन नॉट गो एंड स्लीप ओवर देयर और फील कंफर्टेबल ओवर देयर, राइट? प्लीज ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा स्वैम्प्स की अगर मैं बात करता हूँ, ये वुडेड मार्श होते हैं, ध्यान रखिएगा, यहाँ पानी ज्यादा मिलेगा, वाटर लॉक ट्रीज मिलेंगे। इसके बाद होता है बॉग्स। बॉग्स क्या होते हैं? एसिडिक वेटलैंड होते हैं फिल्ड विद बिल्टअप ऑफ स्लोली डिकेइंग वेजिटेशन कॉल्ड पीट। ध्यान रखना, बॉग्स में क्या बन रहा होता है? पीट। ध्यान रखो, कोल जो होता है, कोयला, ठीक है, कोयला, चार तरह का कोयला पाया जाता है। पहला होता है एंथ्रासाइट, प्लीज ये ध्यान रखिएगा, एंथ्रासाइट। दूसरा होता है बिटुमिन, तीसरा होता है लिग्नाइट, लिग्नाइट है ना, एंड चौथा होता है आपके पास पीट। ध्यान रखना, पीट वर्स्ट फॉर्म ऑफ कोल है, वर्स्ट फॉर्म ऑफ कोल है, बट ये भी ध्यान रखिएगा, एंथ्रासाइट 90% प्लस कार्बन होता है,
ठीक है, 90% प्लस कार्बन होता है, और ये मोस्टली हम लोग ऑस्ट्रेलिया से मंगवाते हैं। अगर आपको बताओ तो ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड एरिया में जो वेदांता ग्रुप है उसकी एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है कि इसके माइनिंग के कारण जो आपका ग्रेट बैरियर रीफ है वो पॉल्यूटेड हो रहा है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, है ना? तो वहां पर अडानी साहब का भी काफी ज्यादा नाम था बीच में, ये एरिया मतलब आपका पड़ता है, ठीक है। हाँ, सबसे शुद्ध एंथ्रासाइट होता है, फिर बिटुमिन कोल होता है, फिर लिग्नाइट होता है, और सबसे वर्स्ट क्वालिटी होती है पीट की, ध्यान रखिएगा, है ना? बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। अब देखो पेंस की अगर मैं बात करता हूँ, आर ऑल्सो फीचर द बिल्टअप ऑफ पीट, ठीक है। पेंस क्या होते हैं, पीट के आगे का फीचर है, ठीक है। बॉक्स, बॉक्स के आगे का फीचर पीट हो जाएगा। जैसे आप समझना मार्शल से एक नॉच ऊपर बढ़ोगे तो स्वैम्प हो जाएगा, वैसे ही बॉक्स से एक नॉच आगे बढ़ोगे तो पेंस बन जाएगा। पेंस में क्या होता है आप समझो, बिल्टअप ऑफ पीट होता है, तो पीट काफी ज्यादा मिलेगा, लेकिन स्फैग्नम मॉस स्लेजेस आर डोमिनेंट वेजिटेशन। यहाँ पे क्या हो रहा था, डोमिनेंट वेजिटेशन नहीं थी क्योंकि एसिडिक नेचर था, समझना, एसिडिक नेचर था, काफी ज्यादा वाटर लॉगिंग हो रखी थी। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फिर यहाँ पीट है, बट मॉस एंड स्लेजेस ये डोमिनेंट हो जाती है, ये कम एसिडिक होता है और पानी इसके थ्रू बह रहा होता है, बॉक्स में पानी इकट्ठा हो रहा होता है जिसके कारण ये एसिडिक हो जाती है। प्लीज इस चीज को ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। देन कम्स मैनग्रूव्स, ठीक है। मैनग्रूव्स की अगर हम बात करते हैं, असेंबलेज ऑफ सॉल्ट टॉलरेंट ट्रीज, मैनग्रूव्स क्या है, सॉल्ट टॉलरेंट ट्रीज है एंड श्रब्स, ठीक है, ध्यान रखना, श्रब्स एंड ट्रीज जो कि सॉल्ट टॉलरेंट है, दैट ग्रो इन इंटरटाइडल रीजन ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कोस्ट लाइन, ठीक है। दे ग्रो लग्जरियंटली इन द प्लेसेस वेयर फ्रेश वाटर मिक्सेस विद सी वाटर, ध्यान रखना, जैसे एस्चुरीज हो गए, एस्चुरीज आप समझते हैं क्या होती है, एस्चुरी, एस्चुरी दोस्तों ध्यान रखना, नदी का मुहाना जब होता है ना तो दो तरीके से बनता है ना, जो नदी बहती हुई समंदर में जाके मिलती है, ये दो तरीके से जाके मिलती है, या तो ये डेल्टा बनाएगी, है ना, डेल्टा बनाएगी, या तो फिर या फिर है ना समंदर में, जैसे आप देखो नर्मदा नदी जाकर जब समंदर में मिलती है तो वहां डेल्टा नहीं बनाती है दोस्तों, ध्यान रखना, डेल्टा नहीं बनाती है, बिल्कुल सीधा जाके नदी में घुस जाती है, सीधा नदी में घुस जाती है, देयर इज नो स्प्लिटिंग, है ना, स्प्लिटिंग नहीं होती है, ठीक है। अभी रिसेंटली मैं देखोगे तो दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव के पास में हूँ, यहाँ पे दमन गंगा नदी बहती है, आप यकीन मानिए मेरा, इस तरीके से एकदम क्लियर कट देख सकते हैं नदी को समंदर में मिलता हुआ, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं इश्चुरी। तो वहां पे ना पानी जो होता है वो नाइदर मरीन होता है, बहुत ज्यादा सॉल्टी भी नहीं होता है, बहुत ज्यादा फ्रेश वाटर भी नहीं होता है, तो वो जो होता है ब्रैकिश वाटर हम लोग उसको कहते हैं, ध्यान रखिए, सेडिमेंट इज कम्पोज ऑफ एक्यूमुलेटेड डिपॉजिट ऑफ मड, इज इट क्लियर, समझना, ये जो मैनग्रूव्स हैं काफी ज्यादा मडी सॉइल में उगते हैं, मडी सॉइल में उगेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, अब समझो इस बात को कि वहां पे ऑक्सीजन की कमी रहेगी, तो मैनग्रूव फॉरेस्ट को अपने आप को मतलब इस तरह से मॉडिफाई करना पड़ेगा, मोल्ड करना पड़ेगा कि वो सर्वाइव कर पाए। अब देखो ये समझो, अगर समंदर के एकदम डीप नीचे है तो इसको हम क्या बोलेंगे, सी ग्रास बेड बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद समंदर से थोड़ा सा और ऊपर आओगे तो एक मड फ्लैट एरिया दिखाई देता है। आई थिंक आई शुड शो यू सम फोटोज समडे, है ना, ग्रुप में कोशिश करूंगा पोस्ट करने की, ठीक है। तो मड फ्लैट क्या होता है, यहाँ पे कीचड़ होगा, केवल कीचड़ होगा, वेजिटेशन अक्सर नहीं होती है, ध्यान रखिएगा, मड फ्लैट में मोस्टली कीचड़ होता है, यहाँ वेजिटेशन नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद आता है लो टाइड हाई टाइड का जोन, जैसे लो टाइड रहेगी तो पानी यहां तक रहेगा, हाई टाइड मैक्सिमम गई तो यहां तक पानी आ सकता है। इस जोन में कहीं ना कहीं आप देखोगे तो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं दोस्तों, तो ये पूरा जो एरिया है, कुछ समझ में आ जाते हैं, कुछ नॉन समझ में आते हैं, ये पूरा एरिया मैंग्रोव फॉरेस्ट का एरिया होता है, ठीक है, मैंग्रोव फॉरेस्ट का एरिया होता है। और अगर आप मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में बताऊं मैं थोड़ा देर में, ठीक है, सबसे ज्यादा बड़ा मैंग्रोव कहां पाया जाता है, वेस्ट बंगाल में पाया जाता है, ध्यान रखना, इंडिया में वेस्ट बंगाल में, और ओवरऑल वर्ल्ड में भी अगर आप देखोगे तो बांग्लादेश बंगाल का जो ये डेल्टा है इसमें मैंग्रोव काफी ज्यादा पाए जाते हैं, काफी ज्यादा पाए, प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा। और बाकी टेरेस्ट्रियल तो जमीन पर पाए जाने वाले पौधे हैं, ठीक है। अब देखिए फीचर्स की अगर मैं बात करता हूं तो सर्वाइव अंडर एक्सट्रीम हॉस्टाइल एनवायरनमेंट, एक चीज तो समझ लो, क्योंकि बार बार आप यहाँ पे भी देख सकते हो पानी चढ़ रहा है उतर रहा है, राइट, और पानी उसमें भी सॉल्टी वाटर है, ब्रैकिश वाटर है, तो आप समझो ये काफी ज्यादा टॉलरेंट होते हैं टुवर्ड्स बोथ, है ना। तो हम अपने जो मेरी जिन्होंने भी मेरी साइंस की क्लास अटेंड की होगी, हम लोग इसको बोलते हैं यूरी हैलाइन, है ना, सॉल्ट का बहुत ज्यादा टॉलरेंस होता है इनमें, ठीक है, दे आर नॉट स्टेनो हैलाइन, दे आर यूरी हैलाइन, ठीक है, यूरी हैलाइन, प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा। ये काफी एक्सट्रीम होस्टाइल एनवायरमेंट्स में ये रहते हैं, काफी ज्यादा सॉल्ट और लो ऑक्सीजन कंडीशन में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो कम ऑक्सीजन है तो क्या होगा, आप मुझे बता सकते हैं, जो आपके माउंटेनियर्स हैं, माउंटेन्स में रहने वाले लोग हैं,
उनके में क्या एडेप्टेशन होते हैं जब वो माउंटेन पे रहते हैं, राइट। के बारे में पढ़ेंगे तो उनके लंग कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है, लंग कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है, वो एक बार में काफी ज्यादा सांस भर सकते हैं। दूसरी चीज उनका आरबीसी काउंट है ना, रेड ब्लड सेल काउंट, ये भी काफी ज्यादा होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना ये काफी ज्यादा मैटर करता है ना। और ये क्या है, सर्वाइव अंडर एक्सट्रीम हॉस्टाइल एनवायरनमेंट सच एज सॉल्ट एंड लो ऑक्सीजन कंडीशंस, है ना। तो ध्यान रखना ये काफी हद तक एक्सट्रीम हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में सर्वाइव करते हैं। For purpose of breathing, they develop special roots called pneumatopores. तो ध्यान रखना, ये क्या करेंगे? Immune system बहुत strong होती है। देखो ऐसी बात नहीं है अभिजीत कि immune system strong होगी। Immune system की strength के लिए आपको चाहिए WBC, है ना, white blood cell। यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ आपको, RBC, है ना, please ये ध्यान रखिएगा। बिल्कुल सही बात है ना। दोनों में फर्क है। RBC क्या करता है आपका? ऑक्सीजन कैरी करता है, राइट। तो मैं बहुत देर तक बिना थके काम कर सकता हूँ, मेरी बॉडी में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ रहेगी, राइट, है ना। मैं बहुत देर तक ट्रेकिंग कर सकता हूँ, हाँ जी हाँ जी। लाल रक्त कोशिकाएं या फिर कणिकाएं, सॉरी कणिकाएं या फिर कोशिकाएं, जो भी बोलना चाहे, ठीक है। और श्वेत रक्त कणिकाएं या कोशिकाएं, है ना। डब्ल्यूबीसी जो होता है ये इम्यूनिटी देता है, प्लीज ये ध्यान रखिएगा। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, डब्ल्यूबीसी इम्यूनिटी देता है और ये ऑक्सीजन कैरी करता है, इज इट क्लियर, ठीक है ना। तो ये काफी देर तक ऑक्सीजन अपनी बॉडी को दे सकते हैं और वो कर सकते हैं। यस, आरबीसी काउंट नहीं घटता दोस्त, वहां डेंगू में प्लेटलेट घटते हैं, ध्यान रखिएगा। प्लेटलेट वो अलग चीज है, प्लेटलेट बिल्कुल अलग चीज है, ध्यान रखिएगा। प्लेटलेट घटते हैं, ठीक है। हमारे ब्लड में चार कंपोनेंट्स होते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। हमारे ब्लड में चार कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। प्लाज्मा होता है जो कि मेजॉरिटी ऑफ द मटेरियल होता है, और एक बेसिकली अगर आपने ध्यान होगा, मैंने कनेक्टिंग टिश्यूज के बारे में पढ़ाया था। तो हर एक कनेक्टिंग टिश्यू में एक बेस होता है ना। तो ब्लड में जो प्लाज्मा होता है मैक्सिमम अमाउंट में होता है, और वो बेस होता है, येलोइश लिक्विडी सब्सटेंस होता है, ठीक है। आरबीसी कम घटते हैं दोस्त, प्लेटलेट्स मेन कंसर्न रहते हैं, ध्यान रखिएगा। प्लेटलेट्स को अमूमन मोर देन 1.5 लाख होना चाहिए, अमूमन मोर देन 1.5 लाख होना चाहिए। बट यदि आप देखेंगे तो ये हार्डली 20-30 kV नहीं रहते हैं कभी कभी, और इस केस में बहुत फेटल हो सकता है दोस्तों, इंसान की मृत्यु तक हो सकती है। प्लेटलेट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसके लिए अगर बोलेंगे आप, जैसे डेंगू, डेंगू अभी बहुत ज्यादा फैला हुआ है कहाँ पे, नॉर्दर्न इंडिया में स्पेसिफिकली अगर मैं बोलना चाहूँ तो यूपी में, दिल्ली में, बिहार में काफी ज्यादा डेंगू फैला हुआ है, राइट। तो प्लीज ये ध्यान रखिएगा, डेंगू से बचने के लिए आप जितने प्रिकॉशंस हो सकते हैं उतने लीजिए। दूसरी चीज, उसके जो मच्छर होते हैं, है ना, डेंगू वायरस जो फैलाते हैं उनसे बचिए, ठीक है। Yes, उत्तर प्रदेश में भी काफी ज्यादा फैला हुआ है, जी बिल्कुल बिल्कुल अभी जी, है ना, बिल्कुल सच बात है। चलिए आगे देखते हैं, प्लीज इनसे बच के रहिए, है ना, मच्छरों से बच के रहिए, है ना। विद देयर रूट्स समर्ज्ड इन वाटर, मैंग्रोव ट्रीज थ्राइव इन हॉट मडी सॉल्टी कंडीशन दैट विल क्विकली किल मोस्ट ऑफ द प्लांट। आप यकीन नहीं मानेंगे कि ये जो सॉल्टी वाटर होता है ये मोस्ट ऑफ द प्लांट्स के लिए बहुत घातक होता है। सोचो, हॉट मडी एंड सॉल्टी कंडीशन, तीनों कंडीशन है एक्सट्रीम, और उस कंडीशन में मैंग्रोव अपने आप को सर्वाइव करता है, ठीक है। ये वीवी पैरस होते हैं, मतलब कि आप समझो कि बीज नहीं पैदा कर सकते, बीज पैदा करेंगे तो वो सड़ जाए, खराब हो जाए, तो ये बीज जरूर पैदा करते हैं। बट ध्यान रखिए, जैसे हम अपने ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं, है ना, जैसे हम ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं, वैसे ही जो मैनग्रूव्स होते हैं दे आर वीवी पैरस। तो होता क्या है, जैसे सपोज कीजिए एक पेड़ है, ठीक है, इस पे एक फ्रूट लटका है, सीड लटका, ये फ्रूट यहीं पे जर्मिनेट होकर के आधा पौधा बन जाएगा, यहीं पे जर्मिनेट होकर के आधा पौधा बन जाएगा। उसकी जो रूट सिस्टम भी होता है ना, वो भी एकदम शार्प होता है, इनिशियल एकदम शार्प होता है दोस्तों, ध्यान रखना, एकदम शार्प होता है, ठीक है। और जैसे ये फ्रूट कटेगा ये नीचे गिरेंगे और इवेंचुअली ग्राउंड में धंस जाएंगे, इज इट क्लियर, ये ग्राउंड में धंस जाएंगे, प्लीज ये ध्यान रखिएगा। इसको हम लोग बोलते हैं वीवी पैरस। तो ध्यान रखना, प्लांट्स यूजुअली सीड प्रोड्यूस करते हैं, बट आप देख सकते हो ये वीवी पैरस भी है। तो बायोलॉजी में भी बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं दोस्तों, प्लीज ये ध्यान रखिएगा, यूपीएससी यहाँ पे भी आपको ट्रैप कर सकती है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, वंस जर्मिनेटेड द सीडलिंग ग्रोज इनटू प्रोपेग्यूल, है ना, प्रोपेग्यूल। अब सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं, तो ऑर्मी मैटर को कैप्चर करते हैं, ट्रैप करते हैं, उसको रिसाइकल करते हैं, केमिकल एलिमेंट्स काफी इंपॉर्टेंट, न्यूट्रिएंट्स, इन सबको एक तरह से साइकिल में लेकर के आते हैं, ठीक है। फूड चेन के लिए एक बेसिक रिसोर्स है, ध्यान रखिएगा, मरीन ऑर्गेनिजम्स के लिए, क्योंकि यहाँ फूड बहुत ज्यादा मिलता है। आप देखो यहाँ घड़ियाल और कैसे कैसे प्राणी मिलते हैं, एक से एक तगड़े वाले प्राणी मिलते हैं जो कि कम ऑक्सीजन में भी सरवाइव कर सकते हैं,
नॉट घड़ियाल, एक्चुअली आई थिंक क्रोकोडाइल साथ है ना, नॉट घड़ियाल। घड़ियाल के लिए तो कौन फेमस है बता सकते हो? घड़ियाल से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क भी है हमारे यहाँ घड़ियाल से रिलेटेड, कौन सी जगह पे है? तो क्रोकोडाइल्स हो गए, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, और काफी सारे डेंजरस डेंजरस एनिमल्स मिलते हैं। जो हमारा वेस्ट बंगाल का मैनग्रोव है उसको कभी कभी टाइगर भी मिल सकता है, आपको ध्यान रखिएगा टाइगर भी मिल सकता है, ठीक है। दे प्रोवाइड फिजिकल हैबिटेट एंड नर्सरी ग्राउंड्स फॉर वाइड वैरायटीज ऑफ मरीन ऑर्गेनिजम्स, मेनी ऑफ विच हैव इंपॉर्टेंट रिक्रिएशनल एंड कॉमर्शियल वैल्यू। दूधवा नहीं है दोस्त, एक बार जस्ट चेक कीजिए। नहीं, दूधवा काजीरंगा नहीं है। मैंने किसके बारे में बोला? घड़ियाल के बारे में देखा बोला, राइट। ये दोस्तों ध्यान रखना चंबल एरिया में काफी फेमस है, चंबल एरिया में काफी फेमस है, और चंबल नदी पे ही इनका नेशनल पार्क है, तो प्लीज जस्ट चेक इट आउट, ठीक है। घड़ियाल जो है चंबल नदी पे काफी ज्यादा फेमस है, ठीक है। हाँ जी, काजीरंगा आपका गैंडा के लिए फेमस है, ठीक है। तो प्लीज ये ध्यान रखिएगा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं घड़ियाल और जगह नहीं पाए जाते हैं, बहुत सारी जगह पाए जाते हैं, बट जो फेमस जगह है वो चंबल है, ठीक है। प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑल्सो सर्व एज स्टॉर्म बफर, जैसा कि मैं पहले ही बता रहा था, विंड एंड वेव एक्शन से बचाते हैं और इसके कारण इरोजन नहीं होता है। तो देखो ग्लोबल मैंग्रोव कवर की अगर मैं बात करता हूँ तो दुनिया में 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में मैंग्रोव फैले हुए हैं। एशिया में सबसे बड़े मैंग्रोव से ध्यान रखना, साउथ एशिया में 6.8% ऑफ द वर्ल्ड मैंग्रोव कवर है, ठीक है। तो एक सवाल ये भी बनता है, इंडिया में केवल वेस्ट बंगाल में आपके मैंग्रोव पाए जाते हैं, इज इट ट्रू? टेल मी यस और नो। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं अभिजीत, दैट्स गुड, दैट्स वेरी गुड, है ना, दैट्स वेरी गुड, काफी अच्छा है ना। मुझे ये बताइए अभी कि इंडिया में केवल वेस्ट बंगाल में मैनग्रूव्स पाए जाते हैं, सच बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? दोस्तों ध्यान रखना ओनली आई हैव यूज्ड वर्ड केवल। दोस्तों ऐसा कैसे पॉसिबल है? आप खुद सोचो, इंडिया की 7,000 किलोमीटर के करीब करीब कोस्ट लाइन है, राइट। केवल वेस्ट बंगाल में पाए जाए, हाउ इज इट पॉसिबल? नो डाउट वहां फेमस है, वहां काफी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, बट माई डियर फ्रेंड्स प्लीज ये ध्यान रखिएगा, मैंग्रोव्स बहुत सारे एरियाज में पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग ओडिशा, ओडिशा एंड वेस्टर्न कोस्ट में भी पाए जाते हैं, आंध्रा में भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो काफी सारी जगह पाए जाते हैं, प्लीज ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो मैंग्रोव्स ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में किसी भी कोस्ट पे पाए जाएंगे, है ना, काफी सारी जगह पे पाए जाते हैं, प्लीज ये ध्यान रखिएगा, गलती ना कीजिएगा यहाँ पे, ठीक है ना। ओडिशा, आंध्रा प्रदेश, है ना, वेस्ट बंगाल, है ना, तो प्राइमरीली ईस्टर्न कोस्ट में पाए जाते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वेस्ट कोस्ट पे भी है, इवन अंडमान एंड निकोबार में भी पाए जाएंगे, प्लीज इस बात को भी ध्यान रखिएगा, क्लियर है ना। प्लीज ये ध्यान रखना, गलती मत करना, ओनली वर्ड देखते ही कोशिश करो उसको नेगेट करने की, कट करने की, ठीक है। इंडियन मैंग्रोव कवर की अगर मैं बात करता हूँ, इंडिया कॉन्ट्रीब्यूशन इज 45.8% ऑफ टोटल मैंग्रोव कवर इन साउथ एशिया, ठीक है। इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट ने कहा है कि देखो इंडिया का जो मैंग्रोव कवर है ये 0.15% है इस इंडिया के टोटल जियोग्राफिकल एरिया, और लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट कौन सा है? सुंदरवन इन वेस्ट बंगाल, प्लीज ये ध्यान रखिएगा। इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा मिला हुआ है, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इस बात को ध्यान रखिए। चैलेंजेस अब क्या है देखो मैंग्रोव कंजर्वेशन के साथ? पहला है कि कोस्टल एरिया का कॉमर्शलाइजेशन बहुत तेजी से हो रहा है, तो सबको जाना है बीच पे, है ना, और वो सनस्क्रीन यूज करना है, ठीक है। आपको भी पता होना चाहिए दोस्तों, माइक्रोप्लास्टिक इज वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ दीज ब्यूटी प्रोडक्ट, है ना। बीच पे जाके हमें नहाना भी है, हमें क्रोकोडाइल भी नहीं देखना है, हमें मतलब उनसे बच के रहना है, सब चीज करनी है, समझ रहे हो, डीप फिशिंग भी करनी है, काफी सारी, और घर भी तो बनाने ही बनाने हैं, इंडिया घर बनाए बिना कैसे काम चलेगा, है ना। तो इन सब कारणों से अगर देखोगे तो कॉमर्शियलाइजेशन काफी तेजी से बढ़ा है, और उसके कारण काफी फ्रेजाइल क्या कहते हैं मतलब हमारी इकोनॉमी हुई है, ठीक है। श्रिम्प फार्मर्स जो है ध्यान रखना, इनके करंट 35% लॉस देखने को मिला है मैंग्रोव फॉरेस्ट में। आर यू नोइंग दैट? डू यू नो दैट? श्रिम्प फार्मिंग, श्रिम्प, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट श्रिम्प? जो प्रॉन की तरह ही होता है, प्रॉन की तरह ही देखने में होता है, एक जीव होता है, ठीक है, जलीय जीव होता है, नो डाउट खाने में अच्छा लगता है, बट इट डिपेंड्स ऑन कि कैसे कुक किया गया, ठीक है। ऑर्थ्रोपोडा में आता है, ध्यान रखना ऑर्थ्रोपोडा में आता है ये चीज, ठीक है। इस तरह का कुछ दिखता है, इस तरह का कुछ दिखता है, अगर आपको मालूम हो तो, है इस तरीके का कुछ कुछ दिखता है, इज इट क्लियर? समझ में आ रही बात? इस तरीके का कुछ कुछ दिखता है, ठीक है, ये ऑर्थ्रोपॉड में आता है, ठीक है। तो ध्यान रखना श्रिम्प फार्म, ठीक है, क्लियर है, प्लीज ये ध्यान रखना। एक्सेसिव ह्यूमन इंटरवेंशन, ये पैंट जरूर ध्यान रखना, क्योंकि आपको कोट करने में आसानी रहेगी, ठीक है। एक्सेसिव ह्यूमन इंटरवेंशन बढ़ा है इन्वेसिव स्पीशीज, इन्वेसिव स्पीशीज क्या होती है ये मुझे बताइए, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।
मैंग्रोव ऑल्सो फ्रीक्वेंटली सफर फ्रॉम ऑयल स्पिल्स। दोस्तों ध्यान रखना, ऑयल स्पिल्स भी बहुत कॉमन देखा गया है। इन्वेजिव स्पीशीज की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो एक चीज ध्यान रखना, इन्वेजिव स्पीशीज वो स्पीशीज होती है जिनका नेचुरल प्रेडेटर नहीं होता, ये दूसरे इकोसिस्टम से आई हुई होती है, ठीक है। नेचुरल प्रेडेटर इज एब्सेंट, तो इसके कारण क्या होता है, इनको कोई कॉम्पिटिशन मिलता नहीं है, ठीक है, लेस कॉम्पिटिशन होता है, तो इसके कारण खूब सारा ग्रो करती है, और इतना बुरी तरह से ग्रो करती है, इतना बुरी तरह से ग्रो करती है कि ये पूरे इकोसिस्टम में सिंगल स्पीशीज होती है, ठीक है, हाई रिप्रोडक्शन रेट। है ना, काफी ज्यादा रिप्रोडक्शन रेट है, प्लीज इस बात को ध्यान रखिए। इज इट क्लियर? यस, लेट अस गो अहेड एंड माय डियर फ्रेंड्स, पश्मीना शॉल कहाँ की है ये शॉल, जल्दी बताइए फटाफट से, है ना, पश्मीना शॉल जल्दी बताइए कहाँ से है ये। दोस्तों ध्यान रखिएगा, पश्मीना शॉल बहुत फेमस है हमारे कश्मीर रीजन से, और ये कश्मीर रीजन से पश्मीना नाम की गोट होती है, बकरी होती है, ठीक है, उससे निकाली जाती है, प्लीज ये ध्यान रखिए। लेकिन अभी पता चला है, कस्टम्स ऑफिशियल ने कंप्लेन किया गया है कि देखो ये जो हम पश्मीना शॉल भेज रहे हैं, इसमें आपने शहतूत गार्ड हेयर की एडल्ट्रेशन कर रखी है, तो ध्यान रखिए ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम इसकी क्वालिटी कैसे मेंटेन करें, क्योंकि एक कहते हैं ना, वन बैड एप्पल रॉट्स द होल ट्रे, ठीक है जब नहीं दोस्त कश्मीर बोलोगे, क्या है जे एंड के अगर मैं बात करता हूँ, तो आज की डेट में तो जैसे देखो ये पूरा जम्मू एंड कश्मीर हमारा है, ध्यान रखना पूरा हमारा है ना, मैं कहीं से भी नहीं बोल रहा हूँ कि छोटा सा इंच भी हमारा नहीं है, मतलब हमारा ऐसा कुछ नहीं है कि छोटा सा इंच भी हम पाकिस्तान को देने वाले हैं, ठीक है ध्यान रखना। और हमने क्या किया है, इसको बाइफरकेट कर दिया है, मुझे एग्जैक्ट मैप कुछ कुछ ऐसा ध्यान आ रहा है, बट जो भी है ये हमारी इंटरनल बाउंड्री है, इसमें कोई फॉरेन इंटेलिजेंस नहीं होना चाहिए किसी भी तरह से, है ना। तो ये हो गया ले एंड लद्दाख, ध्यान रखना ले एंड लद्दाख, ठीक है ना, मैप ऑब्वियसली स्केल पे नहीं है, बट हाँ। इसके बाद जम्मू जो वैली है, जम्मू छोटा सा एरिया आता है दोस्तों, ये वाला एरिया आता है जम्मू, और इसके बाद ऊपर आती है कश्मीर वैली, ठीक है, कश्मीर वैली ध्यान रखना, कश्मीर वैली आती है जो काफी इंपॉर्टेंट पड़ती है, ठीक है। अच्छा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, जे एंड के आप बोलते तो फिर भी एक बार के लिए हो जाता, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, गॉट इट गॉट इट, ओके ओके ओके, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हाँ सॉरी, मतलब है ना, तो चलिए ध्यान रखिएगा आगे से, है ना, मतलब प्लीज वैसे बुरा ना मानिए, मतलब मैं जस्ट एक बार पॉइंट आउट कर रहा था कि किसी भी तरह की कंफ्यूजन ना रहे। अच्छा, मैं एक चीज अभी बच्चों से इंटरेक्ट कर रहा था, एंड सडनली आई केम अक्रॉस दिस फैक्ट, आई ऑल्सो वॉन्ट टू आस्क यू ऑल, इज अफगानिस्तान नेबर ऑफ इंडिया, यस और नो, यस और नो, इज अफगानिस्तान नेबर ऑफ इंडिया, डज अफगानिस्तान शेयर लैंड बॉर्डर विथ इंडिया, मतलब नेबर का मतलब क्या हो गया, लैंड बॉर्डर शेयर करता है या नहीं करता है, यस और नो, टेल मी माय डियर फ्रेंड्स क्विकली, बिल्कुल बिल्कुल करता है दोस्तों, इसका आंसर है यस, इंडिया इज नेबर ऑफ, मतलब अफगानिस्तान इज नेबर ऑफ इंडिया, और सबसे छोटी बॉर्डर है हमारी अफगानिस्तान के साथ, ध्यान रखिएगा यहाँ पे छोटा सा हिस्सा टच होता है, ठीक है, छोटा सा हिस्सा टच होता है, अप्रोक्सीमेटली 80 to 100 किलोमीटर है, मतलब 80 to 100 किलोमीटर है, बट दैट इज देयर, है ना, दैट इज देयर, ठीक है, इज इट क्लियर ना, प्लीज ये ध्यान रखना, सबसे छोटी लैंड बाउंड्री इंडिया अफगानिस्तान के साथ शेयर करता है, तो प्लीज इस बारे में गलती मत करना, अगर इंडिया के नेबर से नंबर पूछे या इंडिया किस किस कंट्री के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है, उसमें अफगानिस्तान का नाम भी आएगा, बच्चों को कंफ्यूजन थी इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। पश्मीना इज जीआई सर्टिफाइड वूल, है ना, एंड इट्स ओरिजिन फ्रॉम कश्मीर रीजन ऑफ इंडिया, पश्मीना इज डिराइव फ्रॉम द पर्शियन वर्ड कॉल्ड पशम, पशम मीन्स वीवेबल फाइबर प्रिसाइजली वूल, है ना, भारत अफगानिस्तान, बिल्कुल 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 अभिजीत, है ना, बिल्कुल सही बात है ना, वूल दैट इज यूज इन वीविंग पश्मीना शॉल इज ऑब्टेन फ्रॉम द चांगथांगी गोट्स, ध्यान रखना चांगथांगी गोट्स हैं, ठीक है, चांगथांगी गोट्स हैं जिसको हम बोलते हैं कापरा हिरकस, ये बेसिकली लद्दाख में डोमेस्टिकेटेड है, ध्यान रखना लद्दाख में डोमेस्टिकेटेड है, चांगपा जो है ये सेमी नोमैडिक कम्युनिटी है जो चांगथांग को में रहती है, और साथ साथ वहां पे चांगथांगी गोट्स को रियर करती है, ठीक है ध्यान रखना, ये जो चांगपा ट्राइब है ये लद्दाख और तिब्बत के ऑटोनोमस एरिया में है, ध्यान रखना लद्दाख के भी बाकी सारे हिस्सों में ये है। शहतूत इज फाइन अंडरकोट फाइबर
ऑप्टेन फ्रॉम तिब्बतन एंटीलोप्स। ध्यान रखना जो ये मिक्सिंग की जा रही है, ये तिब्बतन एंटीलोप्स है ना, जिसको हम चीरू भी बोलते हैं वहां पे, उसके बाल निकाल के उससे मिक्सिंग की जा रही है, उसके साथ मिक्सिंग की जा रही है। और प्रॉब्लम क्या है, चीरू को हमने क्या बोला है, नियर थ्रेटेंड बोला है दोस्तों। ध्यान रखना, चीरू को क्या बोला है, नियर थ्रेटेंड स्पीशीज बोला है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर टू एवरीवन, है ना। अब देखो दोस्तों, एक टर्म अक्सर न्यूज में रहता है और यूपीएससी ने इस पे पहले भी सवाल पूछा हुआ है, यूपीएससी ने इस पे पहले भी सवाल पूछा हुआ है दोस्तों, ध्यान रखना, ग्रीन वॉशिंग से रिलेटेड। और एक चीज मैंने जो नोटिस की है पर्सनली दोस्तों, यूपीएससी की एक आदत है, जो टर्म आने वाला है फ्यूचर में न्यूज में, उसको वो उठाती और पूछती है, ठीक है। तो अब अगर ग्रीन वॉशिंग पे क्वेश्चन आएगा तो दैट विल बी डीपर क्वेश्चन, ध्यान रखना, डीपर क्वेश्चन आएगा। और इस बार भी हमने COP27 में ग्रीन वॉशिंग की बात की थी, तो ध्यान रखना, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल थे, इन्होंने क्या कहा कि देखो प्राइवेट कॉर्पोरेशन जो है ये ग्रीन वॉशिंग ना करें और एक साल के अंदर अंदर अपना तरीका सुधार लें, अदरवाइज वी विल हैव आवर ओन मतलब मेथड, ठीक है। तो ग्रीन वॉशिंग बेसिकली है क्या, जैसे देखो कोई भी चीज को धुलते हो तो क्या करते हो, उसको साफ करते हो, है ना, क्लीन कर देते हो, तो आप क्या कर रहे हो, ग्रीन कलर से वॉश कर रहे हो, दैट मीन्स कि उसको ग्रीन कलर में पेंट कर रहे हो, डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट इज नॉट ग्रीन इन कलर, वो हरे रंग का है नहीं, उसके बावजूद वो ग्रीन कलर से दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना, फर्म्स एंड गवर्नमेंट्स जो है ये सारे तरह की एक्टिविटीज जो है, जैसे क्लाइमेट फ्रेंडली है, इसको दिखाना चाहती है। अब देखो ना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड इज अ कंट्री जिसने अपनी CO2 एमिशन रिड्यूस करने की प्रॉपर पॉलिसी लेकर के आया, बट यू नो व्हाट वाज द मेजर फ्लॉ, न्यूजीलैंड की जो मेजोरिटी ऑफ द इकोनॉमी है वो डेयरी सेक्टर पे चलती है, किसमें चलती है, डेयरी सेक्टर पे चलती है मेजोरिटी ऑफ द इकोनॉमी, एंड दे हैड केप्ट डेयरी सेक्टर आउट ऑफ दिस CO2 रिलेटेड पॉलिसी, इज इट क्लियर। तो ये क्या कर रहे हैं, दे आर एक्चुअली नॉट टेकिंग द एक्शन, दे आर जस्ट ग्रीन वॉशिंग थिंग्स, इज इट क्लियर, वो बस दिखा रहे हैं कि हम बहुत ग्रीन कंट्री है, हम नेचर के बारे में केयर करते हैं एंड ऑल दोस बेवकूफी थिंग्स, राइट। बट व्हाट इज देयर एक्चुअल इंटेंट, टू सेव देयर डेयरी इंडस्ट्री एंड टू गिव अ मैसेज टू द वर्ल्ड दैट यस वी आर समवन वेरी ग्रेट कंट्री, राइट। तो ये चीजें बहुत मैटर करती है, मेनी ऑफ दीज क्लेम्स आर अनवेरीफाइबल, मिसलीडिंग और डूबियस, ध्यान रखना, इनमें से जो ये क्लेम्स होते हैं ये मिसलीडिंग होते हैं, डूबियस होते हैं, लोगों को गलत लगता है। अब समझिए ग्रीन वॉशिंग का इंपैक्ट क्या होगा, पहली चीज की भैया देखो, फॉल्स पिक्चर ऑफ प्रोग्रेस बीइंग मेड ऑन क्लाइमेट चेंज फ्रंट पोर्ट्री होती है। सपोज करो कि अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई देखो सब कुछ मेरे ही कंटेंट से आएगा, मेरे पर पढ़ लो सब चीज हो जाएगी, नहीं दोस्तों, मैं हमेशा से एक बात बहुत क्लियर बोलता हूँ, देखो सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, इस बात को समझते हो ना आप लोग, मैं हमेशा से बोलता हूँ दोस्तों कि कोचिंग में 36,000 बच्चे बैठते हैं बाजीराम के या फिर नेक्स्ट आईएस के, राइट, इस तरह की कोचिंग्स में, बड़ी बड़ी कोचिंग्स में 36,000 बच्चे बैठते हैं, कैन यू थिंक, ऑब्वियसली बात है 10-12 तो वहां से निकलेंगे ही निकलेंगे, 10-12 क्यों, 100, 150, 200, 500 भी निकल जाएंगे तो क्या बुरी बात है, ऑब्वियसली दे आर सिंसियर स्टूडेंट्स जो कि इतनी हेवी फी पे कर पा रहे हैं, राइट। तो समझो कि अगर आप ये कहते हो कि केवल मेरी ही कोचिंग के कारण हुआ तो फिर नहीं दोस्तों, ध्यान रखना, I have talked with students, I have talked with people. Content कोई भी कोचिंग में इतना ही देता है, इससे कम ही देता है, to be frank. हाँ, इसके बाद आपकी self study होती है, आपको self पे काम करना होता है, polish करना होता है, अपने method to approach objective question को polish करना होता है, उसके लिए हम जरूर बात कर सकते हैं, आप मुझसे सीख कर सकते हो mentorship की advice या जो भी कुछ कहिए कि सर हाउ टू प्रोसीड अहेड ऑन एनी टॉपिक, इस टॉपिक पे उस टॉपिक पे कैसे आगे बढ़े, मेन्स आंसर कैसे लिखें, है ना, तो आप इस बात को समझिएगा, है ना। तो ध्यान रखिए ग्रीन वॉशिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा होता है या लोगों को समझ ही नहीं आ रहा होता है एक्चुअल प्रोग्रेस कितनी कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग से टेस्ट दीजिए, ठीक है, ठीक है। अभी जैसे आप देखना चाहो तो विजन का भी ओपन टेस्ट का लिंक आ चुका है, अगर आप देना चाहो तो दो, जरूर दो, ठीक है। सेम टेस्ट, ओपन टेस्ट वाजी राम के भी होंगे, सेम ओपन टेस्ट आपके डिफरेंट डिफरेंट मतलब कोचिंग से होंगे, जरूर दीजिए, ठीक है। देखो चैलेंजेस इन रेगुलेटिंग भी आता है, रेगुलेटिंग में चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, एक बात समझना, एक बात समझना, ठीक है, कि कहते हैं जो रेगुलेटिंग है वहां पे काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैव स्प्रंग अप क्लेमिंग एक्सपर्टीज इन दीज एरियाज ऑफरिंग देयर सर्विसेज फॉर फ्री, ठीक है। तो ध्यान रखना, काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो एक्सपर्टीज क्लेम करते हैं और एक अपनी फीस देते हैं, ठीक है, ठीक है। देन कम्स कार्बन क्रेडिट, माय डियर फ्रेंड्स, कार्बन क्रेडिट क्या है, ध्यान रखना कि कार्बन ऑफसेट, ठीक है, आल्सो नोन एज कार्बन ऑफसेट इज अ क्रेडिट फॉर ग्रीन हाउस इमिशन
reduce from remove reduce or remove from atmosphere by an emission reduction project. ध्यान रखना emission reduction project की अगर हम बात करें तो ये चीज बहुत matter करती है, ठीक है? Okay. चलो देखो एक चीज समझना, कार्बन क्रेडिट जो था एक मैकेनिज्म था जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था हमारा पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के तहत, ठीक है, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के तहत। और यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे क्या कहा गया था, देखो कि हर एक देश को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कार्बन फुटप्रिंट अलॉट किया जाएगा, हर एक देश को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कार्बन फुटप्रिंट अलॉट किया जाएगा और अकॉर्डिंगली ही और शी विल गेट थिंग्स, ठीक है, क्लियर कट ध्यान, ठीक है। तो ये जो ट्रेड है ये भी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज होता है जब आप ग्रीन वॉशिंग करते हैं, ठीक है। तो ग्रीन वॉशिंग से क्या हो रहा है, कार्बन क्रेडिट पे इनफॉर्मल मार्केट क्रिएट हो रहा है, क्रेडिट अवेलेबल फॉर ऑल एक्टिविटीज सच एज ग्रोइंग ट्रीज, प्लांटिंग अ सर्टेन काइंड ऑफ क्रॉप, इंस्टॉलिंग एनर्जी इफिशियंट इक्विपमेंट एंड ऑफिस बिल्डिंग्स, ये सारे क्रेडिट्स जो है ये सर्टिफाई किए जाते हैं अनऑफिशियल थर्ड पार्टी कंपनीज के द्वारा, ठीक है। तो इसके कारण क्या हो रहा है, इनफॉर्मल मार्केट क्रिएट हो रहा है और एक्चुअल में जो कार्बन क्रेडिट का पर्पस था कि भाई देखो लोगों को इंसेंटिवाइज किया जाएगा, वो फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। सच ट्रांजेक्शन हैव फेल्ड, लैक ऑफ इंटीग्रिटी एंड डबल काउंटिंग, ध्यान रखना दो लोगों से एटलीस्ट आपको कन्फर्म करवाना चाहिए, वो चीज नहीं हो पा रही है। नेक्स्ट कम्स क्रेडिबिलिटी, countries like India or Brazil has accumulated huge carbon credit under the Kyoto Protocol. But many developed countries resisted this questioning the integrity of credits claiming they did not accurately represent reductions in emissions. Please इस बात को ध्यान। अब देखो दोस्तों, इंडिया ने पहला sovereign green bond framework निकाला है, sovereign green bond framework. अब इसमें क्या है समझना, मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स ने अप्रूव किया है फाइनल सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स फ्रेमवर्क इन इंडिया। सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स का क्या कहेंगे हम लोग, तो ध्यान रखना ये ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए मोबिलाइज करने के लिए यूज किए जाते हैं, ऑल फॉसिल फ्यूल रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैव बीन केप्ट आउट ऑफ द फ्रेमवर्क अलोंग विद बायोमास बेस्ड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट दैट रिलाई ऑन फीड स्टॉक फ्रॉम प्रोटेक्टेड एरिया, ठीक है। बेनिफिट्स क्या है इसके समझो, सोवरेन ग्रीन इश्यूएंस सेंड्स अ पावरफुल सिग्नल ऑफ इंटेंट अराउंड क्लाइमेट एक्शन एंड sustainable development to governments and regulators. Development of sovereign green benchmark की अगर मैं बात करता हूँ तो ध्यान रखना ये vibrant ecosystem, raising green bonds from international investors. तो ये सारी चीजें आपके benefits से sovereign green bond के क्या है basically? पहली चीज तो intent clear करता है जो दुनिया भर के regulators हैं, governments हैं इनको। दूसरी चीज कि देखो vibrant ecosystem create करता है green greening के लिए। अब समझना एक concept और मैं पढ़ाना चाहूंगा आपको, जब मैं ethics की class लेता हूँ उसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस नाम से टॉपिक है, कौन सा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एंड टू बी फ्रैंक वहां पे मैं एक शेयर का अक्सर नाम लेता हूं आईटीसी। देखो ये मेरा एनालिसिस नहीं है टू बी फ्रैंक, एंड आई एम रियली सॉरी अगर मैं आईटीसी के किसी ऑफिशियल का सेंटीमेंट हर्ट कर रहा हूं तो, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं जस्ट कुछ फैक्ट्स रखना चाहूंगा आपके सामने। आईटीसी के शेयर कहते हैं अक्सर अंडर वैल्यूड है, दे आर ऑसम शेयर, एंड अक्सर कहा जाता है कि आईटीसी के शेयर ऐसे शेयर हैं जो आप अपने बच्चों को गिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, आप अपने बच्चों को गिफ्ट कर सकते हैं, इसे शेयर मस्ट है। लेकिन ये अपने वैल्यू को रियलाइज क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि देयर इज अ क्लॉज ईएसजी दैट सेज एनवायरमेंटली एंड सोशल फ्रेंडली गुड्स, है ना, ध्यान रखना ईएसजी, ध्यान रखना ये जो गुड्स हैं इसमें आईटीसी का जो टोबैको प्रोडक्ट है जिससे आईटीसी अप्रोक्सीमेटली 50-60% या उससे ज्यादा प्रॉफिट कमाती है वो नहीं आता है, है ना? क्योंकि टोबैको इज नॉट socially good, tobacco is not environmentally good to some extent, is it clear? baki ha apne tarike ho sakte hain dekhne ke, for example agar aap tobacco farmer se puchhenge to obviously for him it is livelihood, hai na, agar aap anand area mein jayenge, andhra pradesh mein jayenge aapko realize hoga ye cheez, hai na, clear hai na? so please is baat ko dhyan rakhiyega esg, theek hai, environmentally socially important goods ya better goods, hai na, responsible goods, theek hai, प्लीज इस चीज को ध्यान रखिए। तो ये भी एक मतलब इंटेंट शो करता है। देखो कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन क्या होता है, आप समझना, कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन मतलब क्या होता है कि हम कैप्चर करेंगे, और टू बी फ्रैंक मैं बचपन में बहुत ज्यादा फैसिनेटेड था इस टॉपिक से, क्यों, क्योंकि उस समय मुझे अभी भी ध्यान है डिस्कवरी या नेशनल ज्योग्राफी पे एक चैनल चलता था कि हम लाइम वाटर या KOH को यूज करके, है ना, लाइम वाटर और KOH को यूज करके कार्बन कैप्चर कर सकते हैं, CO2 को कैप्चर कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा CO2 को कैप्चर कर सकते हैं, उसको फिर सेग्रीगेट करके अलग करके उसको फ्रीज किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, इसको फ्रीज किया जा सकता है। और आपको पता होना चाहिए कि CO2 ऐसा है जो गैस से सीधा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, है ना, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं सॉलिड टू गैस कन्वर्ट होने में, ठोस पदार्थ से उसको द्रव में कन्वर्ट होने की बजाय सीधा गैस में अगर कोई कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, तरल में कन्वर्ट होने की बजाय सीधा सीधा
गैस में कन्वर्ट हो जाए, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? देखो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ तो इसको इवेपोरेशन आप बोलोगे, है ना, इसको इवेपोरेशन बोलोगे, है ना, इसको क्या बोलोगे सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होने को? दोस्तों ध्यान रखना, सब्लिमेशन बोलते हैं, सॉरी उल्टा मैं बोल गया, लिक्विड टू सॉलिड, एक मिनट मैं क्या बोल रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी माय डियर फ्रेंड, इसको इवेपोरेशन ही बोलेंगे, आई एम सो सॉरी ठीक है, सॉलिड टू लिक्विड को बोलते हैं फ्यूजन, है फ्यूजन, है ना, और मेल्टिंग ठीक है, ध्यान रखना मेल्टिंग बोलते हैं, पिघलना बोलते हैं जिसको हम लोग, ठीक है ना और लिक्विड टू सॉलिड को बोलते हैं फ्रीजिंग, है ना, प्रोसेस को क्या बोलोगे? फ्रीजिंग बोलोगे, ठीक है, मैं जोश जोश में ज्यादा ही कुछ बोल गया जल्दी जल्दी में, है ना, तो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने को, ठीक है, लिक्विड से, वेट आई विल ड्रॉ दिस ग्राफ फॉर यू ऑल सो दैट आपको याद रहे, ठीक है, आपको ये चीजें याद रहे, ठीक है, मैं फिर से फ्रेश ग्राफ बना रहा हूँ, प्लीज मेक श्योर कि आप इसको नोट कर लें, ठीक है, गलनांक एंड क्वथांक, बिल्कुल सही बोल रहे हैं ना, तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल सही है ना, तो सॉलिड हो गया, इससे कन्वर्ट हुआ लिक्विड में एंड लिक्विड से कन्वर्ट हुआ गैस में, ठीक है, बट कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होने का मत्ता रखते हैं या वाइस वर्सा, तो प्लीज ये ध्यान रखिएगा, हाँ जी, है ना, समझ में आ रही बात ना, इस तरीके से आप बना सकते हो, जब लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होगा दिस वुड बी कॉल्ड मेल्टिंग, ये होगा मेल्टिंग, सॉलिड से लिक्विड में मेल्टिंग होगी, यहाँ पे क्या होगा कंडेंसेशन, गैस से जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो कंडेंसेशन बनता है, क्या बनता है कंडेंसेशन, एंड लिक्विड से गैस में जब कन्वर्ट होता है तो क्या बनता है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है तो इवेपोरेशन, ठीक है, अब समझो सॉलिड से डायरेक्टली गैस बनेगा तो इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन, क्या बोलते हैं सब्लिमेशन, प्लीज ये ध्यान रखिएगा, आई एम सो सॉरी कि बीच में मैं स्लिप ऑफ टंग के कारण बार बार वर्ड्स फंबल कर रहा था, बट प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा, इज इट क्लियर, क्लियर है ना, प्लीज इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है, तो सॉइल अमेंडमेंट्स कैप्चर एंड सेपरेशन देख लो, मतलब जैसे होता है ना कि आप मतलब आपने क्या किया कि जो टू गैसेस है उससे कार्बन डाइऑक्साइड को सोखा, सोखने के लिए क्या करोगे KOH हो गया, ठीक है, या फिर लाइम वाटर हो गया, इन सबको यूज करोगे, इसमें आप कार्बन ट्रैप हो जाएगा, कार्बन को अलग करोगे, इसको फ्रीज करके ड्राई एस के फॉर्म में टॉर्पीडो में कन्वर्ट करके इसको सी बेस में डालने का प्लान बना रहे थे, मतलब उस पर एक्सपेरिमेंट चल रहे थे डिस्कवरी या आई एम नॉट वेरी श्योर, बट किसी एक चैनल पे मैंने देखा था, बड़ा प्यारा सीन था, बचपन में बहुत फैसिनेटिंग लगता था, आज की डेट में हम लोग क्या करते हैं कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना जिसको हमने कैप्चर एंड सेक्वेस्टर किया है, या तो उसको पॉन्ड विद बैक्टीरिया में डाल देते हैं ताकि वो CO2 में और सब में कन्वर्ट हो जाए, या फिर डीप एक्वीफर्स में या फिर कोल माइंस में उसको वापस पुश इन कर दिया जाता है, इज इट क्लियर एकदम साफ साफ समझ में आ रहा है आपको, कोई डाउट हो तो प्लीज फील फ्री टू आस्क, खुल के पूछिए मुझसे, मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है, जब आप ऑयल निकालते हो गैस निकालते हो तो ऑब्वियसली बात है वहां कैविटी क्रिएट कर रहे हो, है ना, तो वहां पे जो खाली जगह है वहां पे आप क्या करते हो CO2 भर देते हो, इज इट क्लियर, तो ये नया तरीका है, ठीक है, रादर देन उसको सी बेस में डालने के, क्योंकि बहुत ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव प्रोसेस है, ठीक है, अब देखो न्यूज में क्यों है समझना इस बात को, According to recent study conducted in Maharashtra and Odisha, soil carbon sequestration may help in fighting climate change, है ना? तो ध्यान रखना कि SDG 13 क्या है हमारे पास climate change. देखो दोस्तों अलग अलग point अलग अलग जगह पे आ रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको कॉम्बाइन नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल सपोज करो ग्रीन वॉशिंग आप कर रहे हो, राइट, ग्रीन वॉशिंग का एक इम्पैक्ट आपके SDG 13 पे भी पड़ेगा, आपको ये ध्यान होना चाहिए कि SDG 13 is related to climate action, है ना, और इसी से रिलेटेड ग्रीन वॉशिंग भी है ना, तो इस तरह से ध्यान रखना इंटरलिंकेजेस हैं, ठीक है, दे आर नॉट सेपरेट टॉपिक, ठीक है, कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन जो होता है एक लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ कार्बन है, किसमें, प्लांट्स में, सॉइल्स में, जियोग्राफिकल फॉर्मेशन में या ओशन में, ठीक है, कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन दोनों नेचुरली भी होता है और साथ साथ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के कारण भी हो सकता है, जिसमें हम बेसिकली कार्बन को अलग करते हैं और साथ साथ उसको स्टोर करते हैं, प्लीज ये ध्यान रखिएगा, अभी उसके टाइप्स होते हैं, टाइप्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया ओशन कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन, जिसमें हम क्या कर रहे थे जमीन के नीचे एक टॉर्पीडो शेप में हम क्या कर रहे थे उसको भेज दे रहे थे और इवेंचुअली वो जा करके इस तरह से
डिग हो जाएगा इसके अंदर, है ना। तो इतना ज्यादा प्रेशर रहता है कि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड मेल्ट नहीं होगी और जमीन में अरसे तक पड़ी रहेगी। लेकिन इसमें एक खतरा ये है, सपोज करो कि कभी अर्थक्वेक आया तो फिर क्या होगा, ये हो सकता है ऊपर आ जाए और यहाँ से CO2 बबल काफी ज्यादा रिलीज होने लग जाए, ठीक है। इसके अलावा एक और प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ध्यान रखना फर्टिलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं। इसमें हम लोग बेसिकली आयरन कंटेंट डालते हैं ना, आयरन सॉल्ट्स डालते हैं कहाँ पे, ओशन में, ठीक है। तो ध्यान रखो यहाँ पे भी देख सकते हैं, ओशन एब्जॉर्ब्स एंड रिलीजेस स्टोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ CO2, क्यों, क्योंकि यहाँ फाइटोप्लैंकटन एल्गी होती है ना, फाइटोप्लैंकटन होते हैं, एल्गी होती है ना, तो ये सारी चीजें होती है। तो एब्जॉर्प्शन जो होता है ना, ये आयरन फर्टिलाइजेशन से बढ़ाया जा सकता है, CO2 को काफी डीप ओशन में लेके जा सकते हैं, साथ साथ आयरन स्टिमुलेट्स फाइटोप्लैंकटन प्रोडक्शन व्हिच इन टर्न लीड टू एनहांस्ड फोटोसिंथेसिस फ्रॉम दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब देखो टाइप्स की अगर मैं बात करता हूँ, टेरेस्ट्रियल कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन की अगर मैं बात करता हूँ, तो CO2 जो है एटमोस्फेयर के द्वारा ट्रीज के द्वारा लिया जाता है, प्लांट्स थ्रू फोटोसिंथेसिस एंड स्टोर्ड एज कार्बन इन सॉइल एंड बायोमास, ठीक है। जियोलॉजिकल कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन की अगर मैं बात करता हूँ, तो CO2 जो है इसको स्टोर किया जा सकता है ऑयल रिजर्वॉयर्स में, गैस रिजर्वॉयर्स में, अनमाइनेबल कोल सीम्स में, ठीक है। तो ये तीन तरीके से आप कार्बन डाइऑक्साइड को ठिकाने लगा सकते हो, जिससे बहुत एक्सेप्टेबल मेथड है। अब देखो दोस्तों, हर साल UPSC कुछ ना कुछ नए स्पीशीज के बारे में पूछ लेती है, एटलीस्ट एक सवाल रहता है इनसे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्पीशीज नेम अगर पता है तो स्पीशीज नेम याद रखनी है, अदरवाइज ये याद रखना है कि रिसेंटली अ क्रैब स्पीशीज हैज बीन डिस्कवर्ड इन विच एरिया। तो ध्यान रखना, सबसे पहले तो ये समझो कि एक नई स्पीशीज जुड़ी गई किसकी, इस्चुराइन क्रैब। इस्चुराइन क्रैब मतलब जो इस्चुरी एरिया में पाया जाएगा। थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था इस्चुरी और डेल्टा में फर्क, नदी दो तरीके से समुद्र से मिल सकती है, रिवर कैन मीट ओशन इन टू वेज, वन इज डेल्टा फॉर्मेशन एंड अदर वन इज इट विल मीट विद द ओशन डायरेक्टली विदाउट एनी मतलब लाइक डिस्ट्रीब्यूटरीज, राइट, डिस्ट्रीब्यूटरीज एंड अदर थिंग, ठीक है। सो होल सेडिमेंट विल बी डंप्ड ओवर हियर, तो ध्यान रखना ये इस्चुराइन क्रैब है, इस्चुरी में पाया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना ये चीज। अब समझो क्यों न्यूज में है, रिसर्चर्स ने इस्चुराइन क्रैब ढूंढा है कहां पे, मैंग्रोव्स ऑफ परांगी पेटाई नियर वेल्लार रिवर इस्चुरी। देखो वेल्लार रिवर इस्चुरी, तो समझ लो मैंग्रोव कहां पे, मैंने पहले स्टेटमेंट भी दिया था याद है कि मैंग्रोव्स आर फाउंड ओनली इन वेस्ट बंगाल। देखो अपने आप स्टेटमेंट गलत हो रहा है आपको, देखो तमिलनाडु तक में भी मैंग्रोव मिल रहे हैं। मैंने उस समय भी कहा था जब भी ओनली आए मेक श्योर कि एक बार आप डबल थॉट दो, कोशिश करो नो तरफ जाने की, ठीक है, ओनली अगर, ठीक है। तो तमिलनाडु के कडारोर डिस्ट्रिक्ट में बेसिकली वेल्लार नदी बहती है, जहां पे जाके एस्चुरी बनाती है, वहां पे हमने एक परांगी पेटई नाम से मतलब मैंग्रोव है और वहां पे हमने एस्चुराइन क्रैब ढूंढा है। ध्यान रखना दोस्तों वेल्लार नदी भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसका मैप जरूर देखें एक बार, ठीक है। वेल्लार वैसे भी इंपॉर्टेंट नदी है, ठीक है, साउदर्न इंडिया की, ठीक है। स्पीशीज हैज बीन नेम्ड स्यूडो हेलिसी अन्नामलाई, है ना, स्यूडो हेलिसी अन्नामलाई, है ना, या हेलिस अन्नामलाई, जैसे भी आप उसको प्रोनाउंस करना चाहो, प्लीज इसका एक बार हो सके तो नाम याद रखना, स्यूडो हेलिस अन्नामलाई। तो दिस इज अ क्रैब स्पीशीज, समटाइम्स यूपीएससी इस तरीके से पूछता है, ठीक है। इट इज डिस्टिंग्विश्ड बाय डार्क पर्पल टू डार्क ग्रे कलरिंग विद इररेगुलर लाइट ब्राउनिश येलो ब्राउन व्हाइट पैचेस। इतना कोई जरूरी नहीं है दोस्तों, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आप यहाँ भी देख सकते हो इसकी फोटो अगर देखना चाहो तो, बट टू बी फ्रैंक ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें एक ये याद रखना, ठीक है। और बाकी आपके 20 सेंटीमीटर तक बढ़ सकते हैं, इंटरटाइडल क्रैब है, ठीक है, एग्रेसिव नहीं होते हैं, तो ये चीज ठीक है, नॉर्मल है, नो नीड टू वरी अबाउट दैट, ठीक है। बस नाम याद रखना स्यूडो हेलिसी हेलिस, है ना, स्यूडो मतलब होता है नकली, हेलाइस मतलब इसमें हेलिकल स्ट्रक्चर बने हो, ठीक है, और बेसिकली अन्नामलाई एरिया में मिला है, ठीक है, तमिलनाडु एरिया में मिला हुआ है, दैट मीन्स ये क्रैब है, ठीक है। मथुरा वृंदावन कार्बन न्यूट्रल टारगेट है दोस्तों, ध्यान रखना 2041 तक, 2041 तक हम मथुरा वृंदावन को पूरा कार्बन न्यूट्रल कर देंगे। अगर आप देखो तो ये कहीं ना कहीं रिलीजियस कैपिटल है ना, और ऐसा कहा नहीं जा सकता कि रिलीजियस कैपिटल है, बट स्टिल बहुत सारे लोग मथुरा वृंदावन जाते हैं, स्पेसिफिकली जो वैष्णवाइट्स हैं, वैष्णवाइट्स के लिए मथुरा वृंदावन इज लाइक हेवन, है ना, वैष्णवाइट्स, है ना। जस्ट अलाउ मी,
यस माय डियर फ्रेंड्स, है तो वैष्णवाइट ध्यान रखना पंथ के हैं, ठीक है। मथुरा वृंदावन इज एमिंग टू बिकम नेट जीरो कार्बन इमिशन टूरिस्ट डेस्टिनेशन बाई 2041, है ना। 2041 तक ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाएगा नेट जीरो कार्बन इमिशन का, ठीक है। देखो एक चीज और समझो, दिस विल बी द फर्स्ट सच कार्बन न्यूट्रल मास्टर प्लान फॉर ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया, ठीक है। पहली बार ये कार्बन न्यूट्रल मास्टर प्लान बनेगा टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए इंडिया में। और दूसरी चीज, टूरिस्ट व्हीकल्स जो है इसको बैन किया जाएगा पूरे ब्रज रीजन में, है ना। तो फिर ध्यान रखिएगा, वृंदावन और कृष्ण भूमि में आप कोई भी टूरिस्ट व्हीकल लेकर नहीं जा सकते, केवल और केवल इलेक्ट्रिक बसेस वहां चलेंगी। इससे भी आपका कार्बन कम होगा, कार्बन फुटप्रिंट काफी कम होगा, ठीक है। समझ में आ रही है बातें। ध्यान रखिए, ऑल 252 वाटर बॉडीज एंड 24 फॉरेस्ट इन एरिया विल ऑल्सो बी रिवाइव। दोस्तों 52 वाटर बॉडीज हैं, 24 जंगल के एरिया हैं, ये भी रिवाइव कर देंगे। मथुरा वृंदावन का कल्चरल सिग्निफिकेंस अगर मैं बोलूं तो फिर ध्यान रखना, मथुरा जो है यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है और भगवान कृष्ण जी का रिलीजियस सैंक्टिटी के हिसाब से मतलब जन्म मतलब स्थान है, जहाँ पे वो पले बड़े थे, एक तरह से ऐसा कह लीजिए पले बड़े थे, मतलब हाँ मतलब पैदा हुए थे मथुरा में, ठीक है। इट इज ऑन रिकॉर्ड दैट मथुरा वाज वन ऑफ द कैपिटल्स ऑफ कुषाण किंग कनिष्क 1130 AD। ध्यान रखना, मथुरा जो है कुषाण किंग से भी रिलेटेड है। और कनिष्क जब मैं बात करता हूँ, ध्यान रखिए, ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट किंग टू इंट्रोड्यूस गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। काफी मतलब इंपॉर्टेंट, मतलब इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है कुषाण ने भी, कुषाण किंग ने भी, जिसमें कनिष्क बहुत फेमस रूलर है, ठीक है। ध्यान रहेगा ये सारी चीजें, प्लीज ये ध्यान रखिए, एंशियंट हिस्ट्री से भी कहीं ना कहीं ये लिंकअप होता है। प्लीज गो एट होम एंड डू रीड अबाउट इट, ठीक है, रीड करिए इसके बारे में, ठीक है। अब देखो प्राइम मिनिस्टर ने जो 5 प्लेज दिए थे उसके बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली इंडिया जो है अपना नॉन फॉसिल एनर्जी बढ़ा देगा 500 GW से 2030 तक। इंडिया जो है 50% ऑफ इट्स नेट एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी से निकालेगा 2030 तक। साथ ही साथ इंडिया जो है टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन इमिशन को 1 बिलियन टन से रिड्यूस करेगा बाय 2030। इंडिया विल रिड्यूस द कार्बन इंटेंसिटी एंड इट्स इकोनॉमी बाय 45% फ्रॉम अ प्रीवियस टारगेट ऑफ 35%, ठीक है। जितना इमिशन कर रहे हो, जितना इमिशन कर रहे हो उतना ही आप उसको कंपेंसेट कर दो। समझ में आ रही बात, क्लियर है। एक्सपर्ट्स जो है वो नेट जीरो टारगेट को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं क्लाइमेट चेंज के लिए। और साथ साथ टॉप 3 एमिटर्स के द्वारा क्या क्या प्लेज किया गया है, तो चाइना ने कहा है कोई नई प्लेज नहीं किए इन्होंने मंडे को, और बेसिकली नेट जीरो 2060 तक लेकर के आएंगे। यूएस ने क्या कहा है, टारगेट डोमेस्टिक लेजिस्लेशन टू स्पेंड $555 बिलियन टू बूस्ट रिन्यूएबल पावर एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल, और इसने भी प्लेज किया नेट जीरो को बाई 2050। इंडिया जो इकोनॉमी है ये कार्बन न्यूट्रल बन जाएगी बाई 2070, ठीक है, क्लियर है। तो ये सारे प्लेजेस हैं, ध्यान रखिएगा। अब एक और चीज समझो कि जैसे क्रैब मिला था थोड़ी देर पहले, है ना, क्रैब मिला था, है ना, मिला था, वैसे एक नई स्पीशीज मिली है हनी बी की भी। तो हनी बी का ध्यान रखना एपिस, एपिस आ गया कहीं पे भी जीनस में एपिस आ गया, तो ध्यान रखिए ये जो है ये आपका काफी चांसेस है कि हनी बी होगी। क्या होगी, हनी बी होगी, प्लीज ये ध्यान रखिए। एपिस आ गया तो काफी चांसेस है हनी बी होगी, तो प्लीज ये ध्यान रखिए, एपिस करिंजोदियान, ठीक है। इसके बारे में है, ये ढूंढा गया वेस्टर्न घाट्स में, 200 साल के बाद ये मिला है, ठीक है। और इवेंचुअली जो है ये ध्यान रखना पहली हनीबी स्पीशीज है, मतलब हनीबीज की स्पीशीज पहली, मतलब इन द सेंस वैसे नहीं है, बट मतलब दुनिया में 11 स्पीशीज अब हो चुकी है हनीबी की, ठीक है। इसका कॉमन नेम क्या है, इंडियन ब्लैक हनीबी, ठीक है, इंडियन ब्लैक हनीबी आर एबल टू प्रोड्यूस अ थिकर हनी विच अलाउज फॉर इंक्रीज हनी प्रोडक्शन, ठीक है। ध्यान रखना ये नियर थ्रेटेंड है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है इनकी हंटिंग हमें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अब देखो एपिकल्चर की अगर हम बात करते हैं, देखो हनी भी तो ठीक है अपनी जगह पे, बट एपिकल्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एपिकल्चर की अगर मैं बात करता हूँ, तो इंडिया जो है 6th मेजर हनी एक्सपोर्टिंग कंट्री है। इसके अलावा हमने स्वीट रिवॉल्यूशन लाया था ताकि हम एपिकल्चर को प्रमोट करें, साथ साथ नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन को 2020 में हमने रखा था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर असिस्टेंस फॉर सेटिंग अप प्रोसेसिंग यूनिट्स, है ना, सेटिंग अप प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए भी हमने इसमें असिस्टेंस देने की बात। तो दोस्तों इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है, आई होप आपने एंजॉय किया है लेक्चर, ठीक है, एंड इट वॉज लेस देन 1 आवर लकीली, है ना। तो यस माई डियर फ्रेंड्स, विद दैट आई टेक योर लीव एंड आई होप आपने कुछ नया सीखा है, समझा है, जाना है, ठीक है, और आप क्वेश्चन टैकल कर पाओगे, ठीक है। तो जैसे एपिस हो गया, एपिस का मतलब हमें सभी को पता है, वो हनी भी है, ठीक है। तो दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट है, जाने से पहले प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आप ही लोग हमारी होप हो, उम्मीद हो,
और आपके बिना हम लोग कुछ भी नहीं, ठीक है। ट्रस्ट मी, जो भी मैं हूँ आज की डेट में वो आप लोगों की बदौलत, ठीक है, आप लोगों की मदद की वजह से हूँ। जो आज की डेट में मेरे 422 सब्सक्राइबर्स हैं, दे ऑल आर योर ब्लेसिंग्स। प्लीज रिक्वेस्ट है, अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखिए। कोई हेल्प चाहिए प्रिपरेशन से रिलेटेड, यू कैन ऑलवेज रीच मी आउट एट 8073041901। ध्यान रखिएगा, इस पर आप मुझे आराम से रीच आउट कर सकते हैं। बट प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है, या तो व्हाट्सएप या टेलीग्राम मैसेज पहले कर दें, क्योंकि कभी कभी मैं कुछ अदर रूटीन वर्क में बिजी रहता हूँ, ठीक है। तो प्लीज ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्लीज इसको करते हैं अमिकेबली, जो भी टाइम होगा उस पर हम कॉमन ग्राउंड पे आकर के हम कॉल करेंगे, ठीक है। तो प्लीज ये ध्यान रखिएगा, थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स। इसके अलावा टेलीग्राम और वेबसाइट की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ दिया रहेगा। पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो उसके लिए भी आप हमें रीच आउट कीजिए, है ना। हमारा जो वेबसाइट है वहां से आपको पीडीएफ आप प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। दिस माय डियर फ्रेंड्स, विद दैट आई एंड दिस सेशन। प्लीज हैव अ ग्रेट डे, है ना, हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय योर डे। थैंक यू एंड बाय बाय।